बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो द लैंग्वेज डिजाइन प्रिंसिपल्स और लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी डिफरेंट फैक्टर्स टू बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू डिसाइड which language is suitable for a given task or a given project. So after this lecture on this topic, you will be able to decide about your any project. So in previous suitable languages lectures humne padha tha, okay, सारे कोर्स का समरी ये है कि हमने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फिर नेचुरल लैंग्वेज और इसमें डिफरेंस क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बेसिक यूनिट जो इसका है वर्ड है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम ग्रामर यूज़ करते हैं। तो ग्रामर का मेन टास्क हमने पढ़ा था कि ये वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन करता है कि वर्ड इस लैंग्वेज में है या नहीं है। फिर इसके लिए हमने दो मुख्तलिफ तरीक़े पढ़े थे काफ़ी डिटेल से, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए हमने पढ़ा था, और इसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी पढ़े थे। आई होप यू हैव नो इशू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस CG or regular expression, please feel free to contact me. Okay, so language design principles में हम ये 14 criteria है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर इस पर question आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप 14 के 14 लिख लें, आप 7 लिख लें, इनमें से कोई भी 7 लिख लें तो भी ठीक है। या इस पर शायद क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि उसमें कोई गिवन हो, इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। एफिशिएंसी ये इम्पॉर्टेंट है, राइटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, सेम है ऑलमोस्ट। सो आज के लेक्चर में हम ये 3 पढ़ेंगे यहाँ तक, और बाकी हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, पोर्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा जनरलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एक्सटेंडेबिलिटी ये इम्पॉर्टेंट है, ये इमिटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जस्ट डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों ने कम से कम ये जो मैंने टेक मार्क किया है ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी। आज हम 3 पढ़ेंगे इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से। सो फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस व्हिच टेक्स लेस टाइम। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। टाइम और टाइम के अलावा स्पेस, मेमोरी कम यूज कर ले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और स्पेस के अलावा थर्ड नंबर जो है ये है एनर्जी, मीन्स पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा प्रोग्राम हो जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर ले, टाइम इज एफिशिएंसी, ज़्यादा कम मेमोरी ले ले और कम एनर्जी कंज्यूम करे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि एग्जीक्यूशन में इज एफिशिएंट हो, या जो जो एग्जीक्यूटिबल है वो एफिशिएंट हो। फॉर एग्जांपल एक काम है, एक कोई प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि स्टार्ट से लेकर एंड तक 5 सेकंड लेता है, और एक दूसरा प्रोग्राम वही प्रोग्राम है आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में बनाया है जो कि 10 सेकंड लेता है। तो एफिशिएंट कौन सा हुआ जो 5 सेकंड लेते हैं कम टाइम, ये एफिशिएंट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जो जो आउटपुट आपका जो लैंग्वेज आपको आउटपुट दे रहा है, इसको एफिशिएंसी आप एग्जीक्यूशन कहते हैं।
अच्छा, लेकिन प्रोग्राम तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और ये एग्जीक्यूटेबल मीन्स जो बाइनरी में हो, तो हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि आपने इस तरह प्रोग्राम राइट करना है जो क्विक, आप जस्ट कंपाइल बटन प्रेस कर ले तो कितने टाइम में ये एग्जीक्यूटिव जनरेट करता है, मतलब कितने टाइम में ये आउटपुट शुरू कर देता है, तो इसको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं। आसान अल्फाज में एफिशिएंसी का मतलब है कम टाइम में ज़्यादा काम करना। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास ये है, तो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस से एग्जीक्यूटिबल बनाना, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो क्विक ट्रांसलेशन हो, मतलब जल्दी कंपाइल हो, और फिर जो प्रोग्राम हमने राइट किया है वो हमें जो रिजल्ट देता है वो कम टाइम में दे दे, तो इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। इसके अलावा स्पेस और एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। देखें, द लैंग्वेज डिजाइन शुड बी सच दैट द ट्रांसलेटर कैन जनरेट एफिशिएंट एग्जीक्यूटिबल। एफिशिएंट एग्जीक्यूटिबल मीन्स जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर ले, इस तरह कोड। कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, शुड आल्सो बी एफिशिएंट, सो वो भी एफिशिएंट हो। अच्छा, दूसरी नंबर प्रॉपर्टी जो है वो राइटेबिलिटी। राइटेबिलिटी मीन्स लिखने का तरीका। ओके, दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिविटी, इजहार करना, जाहिर करना। इसी चीज को जाहिर करना मतलब लिखना। एक्सप्रेसिविटी इन अ लैंग्वेज, रेडिबिलिटी शुड बी क्लियर। क्लियर मीन्स साफ, कंसाइज। कंसाइज एक जामे लफ्ज है, इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से स्टेटमेंट ले लिख ले, स्मॉल स्टेटमेंट में बड़ी बात को बंद करना, इसको कंसाइज कहते हैं। सो आपकी राइटिंग जो है वो कंसाइज हो, क्विक हो, और क्विक जो एफिशिएंट एंड करेक्ट हो, मतलब गलत गलती इसमें गलती का रुझान कम हो या ना हो। अच्छा, ये इवोल्यूशन क्राइटेरिया, एक तो हम इसको लैंग्वेजेस की कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज का हम मुवाजना कर ले, लेकिन इस इनको आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख रहे जिसके जो राइटेबल हो या रीडेबल हो, मतलब कोई दूसरा इसको रीड कर ले, उससे मीनिंग ले ले। अच्छा, एक क्लियर हो, साफ हो, कंसाइज हो। कंसाइज मीन्स आप छोटा सा नंबर ऑफ लाइन इसमें कम हो और काम ज्यादा कर रहा है, इसको कंसाइज कहते हैं। क्विक हो, एफिशिएंट हो। तो एफिशिएंस किस तरह करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल यूज किया है, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था। अब अगर आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करें या रजिस्टर यूज करें तो कौन सा क्विक है। इसके अलावा बग फ्री हो, इसमें नो। ओके, द करेक्टरिस्टिक राइटेबिलिटी की मजीद कितनी करेक्टरिस्टिक है जो इसको इफेक्ट करती है, वो हम पढ़ेंगे रीडिबिलिटी को, क्योंकि दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है। ओके, रीडिबिलिटी मीन्स रीडिबल पावर मशीन। एक तो यह है कि कंप्यूटर इसको किस तरह रीड करता है, और दूसरा ये है कि रीडेबल पार ह्यूमन रीडेबिलिटी, जो इंसान के लिए रीडिंग में आसान हो। अच्छा, अब दोनों रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी आपस में जुड़े लिंक इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल रीडेबल पार मशीन अगर सही राइट हुआ है तो रीडेबल भी आसान होगा, अगर आसान एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, रीडेबिलिटी की एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर हम जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम सी सी प्लस प्लस से शुरू करते हैं, बाकी किसी भी लैंग्वेज को हम फिर
समझ सकते हैं। तो रीडेबिलिटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम पार लूफ रीड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ही इनिशियलाइजेशन के लिए है, ये सेकंड जो है ये एंडिंग कंडीशन है, और इधर जो है वो इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन इधर हम लिखते हैं। तो ये कॉमन सिंटैक्स है जो किसी भी लैंग्वेज के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट मीन्स इट इज रीडेबल फॉर द जनरल सिंटैक्स, जो आम लैंग्वेज की सिंटैक्स है अगर वही आपका लैंग्वेज फॉलो कर रहा है इट मीन्स द गिवन लैंग्वेज इज रीडेबल। इस तरह हम नंबर नंबर प्लस प्लस ये डिफरेंट नोटेशन जो है जो कॉमनली यूज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में ये रीडेबल है। अच्छा तो रीडेबल का लफ्जी माना ये है कि पढ़ने में आसान हो ह्यूमन के लिए या मशीन के लिए दोनों के लिए। अच्छा आगे इसके चार प्रॉपर्टीज है जो हम जो रीडेबिलिटी को इफेक्ट एक है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स सादा आसान। एक है ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी मीन्स हम आगे पढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब है परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंस। एक अगर आप इसको चेंज कर ले तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऑर्थोगोनलिटी कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जो इफ इज इफ एंड गो टू स्टेटमेंट फॉर लूप्स ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स एंड फ्लोइड ये और सिंटैक्स कंसीडरेशन अदर सिंटैक्स। तो ये चार चीज़ें हैं पांच सारी जो रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करती हैं। ओके आजकल आप लोगों ने सुना होगा पाइथन जो है ये बाकी लैंग्वेजेस के निस्बत खासकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये रीडेबल है। रीडेबल मीन्स ये आसान है, समझने में आसान है आम ह्यूमन के लिए, खासकर तौर पर जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए। तो लर्निंग में पाइथन जो है बहुत ईजी है, इसलिए इसने सारे लोग इसको पसंद करते हैं। ओके द फर्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी। अच्छा फॉर एग्जांपल हम जो इंक्रीमेंट वेरिएबल यूज करते हैं काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन और काउंट प्लस इज इक्वल टू पी। तो एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ये बात अगर दो है तो सही है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो इस तरह प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये अच्छी बात नहीं है कि मल्टीपल आप एक चीज़ के लिए मल्टीपल चीज़ें हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हो आपको सीवीजी, तो मैं कहीं ई यूज़ करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ए और बी, और कभी मैं ई यूज़ करता हूँ ए प्लस बी, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने एक को बताया कि दोनों ठीक है लेकिन मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा था, क्यों कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस तरह लैंग्वेज रीडेबिलिटी में या किसी प्रोग्रामिंग में आपको चाहिए कि आप सिंपल एक तरीका यूज़ कर लें। ये सिंप्लिसिटी है आपके थ्रूआउट प्रोग्रामिंग। What is feature multiplicity? Feature multiplicity means having more than one way to publish a particular operation. किसी एक चीज़ को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा तरीके को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन तरीके मैंने लिखे, इसके अलावा और भी है आप लिख सकते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लिसिटी। तो ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी फिर क्या करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, सिंप्लिसिटी के अपोजिट है। इस तरह इसके अलावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये प्लस माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम यूज़ करते हैं जो एडिशन के अलावा किसी और भी मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आप लोग स्टडी कर ले। तो ये भी क्या है एक किस्म की सिंप्लिसिटी के खिलाफ है। इसके अलावा बाजी लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है इज टू सिंपल, तो ज़्यादा सिंप्लिसिटी भी
अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ये 14 प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना भी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा सिंपल हो तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो भी ठीक नहीं है, तो दरमियानी एवरेज पे आप लोगों ने बिलीव करनी है। अच्छा, ऑर्थोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम हाउ डिफिकल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऑर्थोग्राफी मीन्स द ऑपरेशन चेंज जस्ट वन थिंग। सिर्फ ये आप याद रखें कि ऑपरेशन चेंज इन वन थिंग डजंट इफेक्ट अदर्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस टेक्स्ट को रीड कर ले, लेकिन मैं एग्जांपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक रेडियो चला रहा है, एफएम रेडियो, तो इसके मुख्तलिफ इसमें फंक्शनलिटी है। दो इम्पॉर्टेंट ये है कि फंक्शन एक F1, आप चेंज करते हैं चैनल 1 टू चैनल 2, और एक है V1, इस यू ये वॉल्यूम के हिसाब से। तो सपोज मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ, मैं FM 92 से मैंने चेंज किया 96, मैंने चेंज चैनल में कर दिया और इधर वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो ये ऑर्थोगोनलिटी के अपोजिट है। अगर मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ और वॉल्यूम इसके साथ चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स दस द सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का माना है, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये है कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं और एक मॉड्यूल में आप चेंजेस कर रहे हैं मॉड्यूल ए में, इससे मॉड्यूल बी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनलिटी। फॉर एग्जांपल, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सम, SUM, ABC। तो फिर अगर हम इस सम इस मॉड्यूल में चेंज करना चाह रहे, तो सिर्फ हम आएंगे इधर, सिर्फ ये फंक्शन चेंज करेंगे, बाकी प्रोग्रामिंग हमारी एज इट इज रहेगी। तो दिस इज द मेन डिफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कि आप मॉड्यूल ए में चेंज कर रहे हैं, बाकी बी सी मॉड्यूल में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। रेडिबिलिटी का नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, आमतौर पर ह्यूमन रेडिबल, फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप, ये जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, इस तरह यूज कर लूँ, तो ह्यूमन के लिए भी ये इजी है कि ये टॉप टू बॉटम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह ये कंप्यूटर के लिए भी इजी है, लेकिन अगर मैं इसके अल्टरनेटिव गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, गो टू एक्स वाई जी लेवल, तो आप लोग जाएंगे कि एक्स वाई जी कहाँ है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ से फिर यहाँ जंप करेंगे, फिर बाद में इधर आएंगे। तो गो टू स्टेटमेंट ह्यूमन रीडेबल भी नहीं है और मशीन रीडेबल भी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट टू रीड है, इसलिए लोग गो टू स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये है, ये एक एफ स्टेटमेंट है जो दो लाइन में हमने यूज किया है, इसके जगह अगर मैं गो टू स्टेटमेंट यूज कर लूँ तो ये इस तरह बनेगा। अच्छा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई होप यू हैव स्टडी टू कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये प्रोग्राम मैंने सिंपल फॉर लूप यूज किया है, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर लूप है। आप लोग ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है 1 टू 10। आप लोगों ने फॉर लूप की जगह गो टू स्टेटमेंट यूज करनी है और ये प्रोग्राम दोबारा लिखना है विदाउट फॉर लूप। फॉर लूप की बजाय आपने गो टू स्टेटमेंट लिखना है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैरेक्टरिस्टिक, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो एक्यूरेट डेटा टाइप्स भी रेडिबिलिटी को मुतासर करती है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिकेटर फ्लैग को मैंने इक्वल टू 0 और एक टू या इंडिकेटर फ्लैग्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स का मतलब यह है ये ज़्यादा रेडिबल है, मतलब मीनिंग में इसे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसे पता नहीं चलता कि ये 0 बोलियन है या इंटीजर है या ये है। ये फॉर एग्जाम्पल, आप लॉग आउट अगर इंडिकेटर फ्लैग मीन्स लॉग आउट इज इक्वल टू फॉल्स लिख ले, ये ज़्यादा रेडिबल है, क्योंकि फॉल्स मतलब
0. So पार्स इज मोर मीनिंगफुल एंड रीडेबल देन इक्वल टू 0. दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अगर आप पार्स यूज कर ले तो ये ज्यादा रीडेबल है, मतलब कंफ्यूजन फ्री है. सिंटैक्स कंसीडरेशन. सिंटैक्स मींस वर्ड्स को आपस में किस तरह आप लोग कंबाइन कर लें ताकि ये कोई स्टेटमेंट इससे बन जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो रेडिबिलिटी को मुतासर करती है. अच्छा, वर्ड्स को अगर आप टू शॉर्ट लिख लें तो इससे रेडिबिलिटी मुतासर हो सकती है. इसके अलावा डिफरेंट सेंटेंस बाज अच्छे हैं, रेडिबल ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आधा लैंग्वेज में हम एफ इस एप को ख़त्म करने के लिए आखिर में एंड एप लिखते हैं. इस तरह लूप को ख़त्म करने के लिए एंड लूप लिखते हैं. इस तरह मैटलैब में भी एंड एप और एंड लूप इस्तेमाल होते हैं, जबकि जावा और सी प्लस प्लस में हम सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं. तो ये कर्ली ब्रेसेस बहुत ईजी है, रेडिबल है देन दिस वन. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट थ्री प्रॉपर्टीज. हमने रेडिबिलिटी, राइटेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा. आगे हम बाकी जो रहे एक या दो लेक्चर में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे. हाफिज़.